Good morning, students. This is KD sir from Shivam Education. Today we are going to continue exercise 2.3 of chapter number 2, linear correlation. Already हम लोगों ने introduction concept Spearman's rank correlation का हमने किया हुआ है पुराने first video में और question number 1 और 2 solve किया है. आज हम start करेंगे question number 3 से. The following information is obtained by a survey conducted by a town planning committee. ऑफ ए स्टेट बराबर है. एक सर्वे किया गया था. ये प्लानिंग कितने हैं सिटी 1 2 3 4 5 सिटीज के. अब वहां पे एक दो पैरामीटर लिए गए दैट इज पॉपुलेशन उसको एक्स ले लेते हैं और रेट ऑफ ग्रोथ. लेकिन यहाँ पे देखिए उनका जो वैल्यू दिया है उसका हम लोगों को एक्स और वाई का वैल्यू दिया है उनका रैंक नहीं दिया है. तो दिस टाइम वी नीड टू गिव रैंक टू देम एज पर देयर वैल्यू राइट. तो लेट्स स्टार्ट. पॉपुलेशन दिया रेट ऑफ ग्रोथ दिया है तो फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज एंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन राइट. तो लेट्स स्टार्ट. टेबल हमने बनाया हुआ है सिटी ए बी सी डी ई राइट 57 45 14 18 8. अब इसका अगर हम रैंक देते हैं राइट क्योंकि एक्स इक्वल टू पॉपुलेशन लिया और वाई इक्वल टू रेट ऑफ ग्रोथ लिया है तो इसका अगर रैंक लेते तो सबसे हाईएस्ट कौन है 57 तो इसको हम नंबर रैंक 1 देंगे. उसके बाद अगर आप देखो तो 45 तो रैंक 2 आएगा. फिर उसके बाद आता है 18 दैट विल बिकम 3. फिर उसके बाद आता है 4 ऊपर 14 और ये आएगा 5 राइट. और वैसे ही अगर हम रैंक इसका देते हैं तो 13 20 10 15 तो 20 जो है वो फर्स्ट रैंक होगा राइट. और फिर उसके बाद अगर देखो तो 15 जो है वो सेकेंड रैंक होगा. 13 जो है वो थर्ड रैंक होगा और फिर उसके बाद 10 जो है वो फोर्थ रैंक होगा और फिफ्थ जो है वो फिफ्थ रैंक होगा राइट. ये हो गया. अभी हम लोग को आर एक्स माइनस आर वाई करना है तो दैट इज द इफ यू सी 1 माइनस 3 दैट इज -2 2 माइनस 1 1 4 माइनस 4 0 3 माइनस 2 1 5 माइनस 5 0 राइट. और फिर उसके बाद डी स्क्वायर कर लेते हैं. डी स्क्वायर होगा ये 4 ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 0 ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0 राइट. अगर इसको हम टोटल करते हैं तो ये बन जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर ये हो जाएगा 6 ओके. अब इसको हम लोग फॉर्मूला में लगाएंगे. चलो आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1 एन इज इक्वल टू 5 है. चलो R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर क्या है 6 है ये क्या है 5 ये क्या हो जाएगा 25 1 दैट इज 1 माइनस 36 अपॉन 5 इंटू 24 राइट. दैट इज 1 माइनस 36 अपॉन 20 120 राइट. अब इसका क्या आता है दैट इज 0.7 दिस इज योर आंसर. तो आपको क्या लिखना है ऑफ ग्रोथ 0.7 ऑप्शन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग अ सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस कॉलेज. स्टूडेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दैट इज एन इज इक्वल टू 10. मार्क्स इन मैथमेटिक्स दिया है और मार्क्स इन स्टेटिस्टिक दिया है. Then find the rank correlation coefficient between the ability of the students in the subject of mathematics and जब तो ये दोनों के बीच का correlation coefficient होना है right. तो let's start. ये हमारा table दिया हुआ है right. X और Y दिया है लेकिन rank हमको देना है right. तो अगर आप देखें first से सबसे highest कौन सा है 98 that we will give rank 1. उसके बाद अगर देखें तो 90 के सीरीज पे अगर देखें तो 2. फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 80 के सीरीज पे तो ये बनेगा 3. फिर उसके बाद 70 की सीरीज में देखो तो कितने हैं 1 2 है राइट. तो 78 बनेगा 4 और फिर उसके बाद ये बनेगा 5 राइट. फिर उसके बाद अगर देखें तो 60 के सीरीज पे 65 62 है तो ये बनेगा 6 ये बनेगा 7 ओके. फिर उसके बाद अगर 50 की सीरीज पे देखें तो कोई है ही नहीं ओके. 40 की सीरीज पे भी कोई है नहीं
तो फिर उसके बाद 30 की सीरीज पे अगर देखो तो 39 है और 36 है, तो दिस इज 8 और ये बनेगा 9 और लास्ट में जो आएगा वो है 10, राइट? ओके चलो, तो अगर वाई की सीरीज में अगर देखो तो सबसे पहले हम लोग 90 का देखते हैं, तो ये बनेगा 1, फिर उसके बाद 80 की सीरीज में देखो 86 और ये है, तो ये बनेगा 2 और ये बनेगा 3, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 70 की सीरीज है ही नहीं, फिर उसके बाद आएगा 60 की सीरीज, तो 60, 68 और 62, राइट? तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 5 और ये बनेगा 6, और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 50 की सीरीज में 58, 53 और 51, तो ये बनेगा 7, 8, 9 और ये बनेगा 10, ओके चलो, नाउ लेट्स गो टू डी, Rx माइनस Ro, 2, 6 माइनस 8 माइनस 2, 7 माइनस 7 2 माइनस 2 3 माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 4 1, 10 माइनस 6 4, 1 माइनस 1 0, 9 माइनस 9 0, दिस इज 1। अब इसका डी स्क्वायर करते हैं, 4 4 0 0 4 1 16 0 0 और ये 1, तो सिग्मा डी स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 4 4 12 12 13 14 28 और ये 30। ओके अब हमको फॉर्मूला लगाना है, तो यार R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा टी स्क्वायर एंड एन स्क्वायर माइनस 1। अब इसका वैल्यू डालते हैं, 1 माइनस 6 30 अपॉन एन आएगा 10, ये एन का स्क्वायर आएगा 100 और ये माइनस 1, 1 माइनस 180 अपॉन 10 इंटू 99, राइट? तो ये 0 हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस 18 अपॉन 99, राइट? चलो अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, 1 माइनस 0.1818, तो दिस विल गिव 0.8182, दैट इज R इज इक्वल टू 0.82, राइट? देयरफॉर द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इज 0.82, okay, right, so this is our answer, I hope you got it, shall we move to question number 5, now question number 5, from the following information of heights of husband and wife, calculate the rank correlation coefficient between their heights, right, height of husband or height of wife table दिया हुआ है, हमको इनको rank देना है, फिर इसके बाद इनके rank correlation coefficient find out करना है, right, now let's start. अगर आप देखो यहाँ पे फर्स्ट वन में अगर हम देखें 156, 153, 185 वाला जो है 191 बनेगा रैंक नंबर 1, फिर उसके बाद अगर देखें तो रैंक नंबर 2 बनेगा 185 वाला, फिर उसके बाद अगर देखें तो 163 वाला बनेगा, राइट? दैट इज 3, फिर उसके बाद ये बनेगा 4, फिर जो है वो 57 वाला है ना, तो ये 57, 53, तो ये बनेगा 5, ये बनेगा 6 और ये बनेगा 7 और ये हमारा हो गया। अब वही चीज अगर y में देखें 154, 148, 162, 157, 162, यहाँ पे देखिए 162 रिपीट हो रहा है, राइट? तो आप ध्यान से देखना ये हम कैसा करते, सबसे पहले हाईएस्ट क्या देखो, तो दैट इज 170, उसको रैंक नंबर 1 दे दो, बराबर। उसके बाद अगर हम देखें तो 162 आ रहा है, अब 162 दो है तो मतलब सेकंड रैंक और थर्ड रैंक देना है, लेकिन हम ऐसा दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड प्लस थर्ड डिवाइडेड बाय 2, क्या करेंगे, सेकंड प्लस फॉर द रैंक ऑफ 162 का हम करेंगे 2 प्लस 3 अपॉन 2, दैट इज 5 अपॉन 2, दैट इज 2.5 हम दोनों को देंगे, तो देखो ये बन गया 2.5 और ये बन गया 2.5, लेकिन अब यहाँ पे 1, 2, 3 रैंक खत्म हो गया, अब जो भी जाएगा फोर्थ में जाएगा, तो अगर आप देखोगे उसके बाद तो 157 वो फोर्थ रैंक हो जाएगा, ओके। अब हमको क्या करना है, देखना है 1, 2, 3 एंड 4 खत्म हो गया, अभी फिफ्थ एंड सिक्स्थ देना है, तो अगर हम देखें तो 154 फिर से रिपीट हो रहा है, तो 154 को फिफ्थ एंड सिक्स्थ देखिए तो फिफ्थ
फाइव प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई 11 अपॉन 2 दैट इज 5.5 राइट। चलो ये देख रहे थे 5.5 यहाँ पे आएगा और 5.5 यहाँ आएगा, तो फिफ्थ एंड सिक्स खत्म हो गया और ये बन जाएगा सेवंथ रैंक। ओके डन। चलो नाउ हमको फाइंड करना है डी दैट इज आर एक्स माइनस आर ए वाई। सिक्स 5.5 दैट इज 0.5, सेवन का जीरो, टू में से 2.5 जाएगा तो माइनस 0.5, में से 4 गया तो 1, अब वापस 3 में से 2.5 गया तो 0.5, 1 में से 1 गया तो 0, 4 में से 5.5 गया तो माइनस 1.5। ओके अब इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 0.5 मतलब 0.25, दिस विल गिव, ये प्लस हो जाएगा 0.25, ये 0 का 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये वापस 0.25, ये 0 रहेगा और ये बन जाएगा 2.25। ओके चलो अब इसका टोटल कर 4। ओके आई होप यू अंडरस्टूड ये किस तरह रैंकिंग करना है। जब रिपीट करते हैं, सपोज 162 है तो उसका अगर सेकेंड एंड थर्ड रैंक आता है तो 2 और 3 को प्लस कर लेने का और 2 से डिवाइड कर लेगा। यहाँ पे देखो फिफ्थ एंड सिक्स आया था दूसरे का, दैट इज ये बॉक्स बना लेता हूँ बराबर, सो दैट आपको पता चलेगा कि ये किसके लिए, ठीक है। ओके अब यहाँ पे जब आपका रिपीटेशन आता है, जब रिपीट वाला आ रहा है तो तभी आपको करेक्शन फैक्टर सी एफ की जरूरत पड़ेगी फॉर्मूला में, राइट। तो फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट नाउ सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, राइट। सबसे पहले आपको लिखना है कि रिपीटेड टर्म, जो भी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है वो लिखना है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार वो रिपीट हुआ वो लिखना है, फिर उसके बाद उसका हमको फॉर्मूला लिखना है, दैट इज एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12, राइट। इस तरह फाइंड करना है। तो अगर अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के टेबल से, तो अगर अभी आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 के टेबल से तो एक अगर अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 के टेबल से देखें तो 154 रिपीट हो रहा है और 162 रिपीट हो रहा है, राइट। नंबर ऑफ टाइम्स टू टाइम्स रिपीट हुआ। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए ये 8 माइनस 2 अपॉन 12 दैट इज 0.5, राइट। यहाँ भी वैसे आएगा 8 माइनस 2 अपॉन 12 दैट इज 0.5, और इससे आपको अगर सिग्मा एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12 अगर करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा दैट इज 0.5 कितना हो जाएगा 1। ओके तो इस तरह आपको ये टेबल बनाना है, इसको टेबल को आप अच्छी तरह बना दीजिए, राइट। इस तरह बना दीजिए, आप पेन और पेंसिल यूज करें, स्केल और पेंसिल यूज करेंगे, ठीक है, और इस तरह आपका बन जाएगा ये टेबल, और दिस वे यू कैन फाइंड दी सी एफ बराबर। ये है फाइंड सी एफ का। चलो राइट, लेट्स अब फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला लेट्स पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला, राइट। लेट्स ओके चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं, 1 माइनस 0.0893, that is R is equal to 0.91. Therefore, the rank correlation coefficients between height of husband and wife. Is 0.91. ओके तो दिस इज आवर आंसर। यहाँ दो टेबल बनेगा, एक टेबल बनेगा नंबर ऑफ ये नॉर्मल टेबल और दूसरा बनेगा ये वाला, राइट। लेकिन आप टेबल अच्छी तरह बना देना, मैंने थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल ये पैड पे ऐसे ही तोड़ दिया है, स्केल और पेंसिल यूज करना तो नीट एंड क्लीन लगेगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके चलो 6। Two interviewers gave the following scores to the candidates on the basis of their performance in the interview.
फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द इवोल्यूशन ऑफ टू इंटरव्यूअर्स। बराबर, यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट रैंक स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन में यही है कि जो रैंक जो देते हैं बराबर, वो अगर दिया हुआ होता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, नहीं दिया हो तो हमको रैंक करना पड़ता है, रैंकिंग करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स ने मार्क्स दिए हैं बराबर, तो मार्क्स के मुताबिक हमको उनको रैंक देना है। तो टोटल कितने हैं, 3+3 = 8 कैंडिडेट्स हैं, राइट। अब लेट्स सी, ओके, हमने ये टेबल दौड़ के रखा है कैंडिडेट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच का, फिर उनके मार्क्स लिखे हैं जो इंटरव्यूअर ने दिए। फर्स्ट इंटरव्यूअर का एक्स रखा है और सेकंड इंटरव्यूअर का वाई रखा है। अब लेट अस गिव रैंक्स टू देम, राइट। अब पहले वाले में अगर देखेंगे तो 28, 40 वाला सीरीज सबसे हाईएस्ट है, तो एक है 47, दैट विल बी 1, राइट। और फिर उसके बाद 47 के बाद आएगा 44, दैट विल बिकम 2, और 40 विल बिकम 3, राइट। फिर उसके बाद अगर देखें तो 30 के सीरीज में देखो तो एक ही है, दैट इज 4। फिर उसके बाद 20 के सीरीज में देखें तो 28, 28। अब देखिए 4 हो गया, 5 और 6 है, राइट। तो फॉर 28 क्या हो जाएगा, 5 और 6, तो 5+6/2 क्या आएगा, दैट इज 11/2, दैट इज 5.5। 5.5 यहाँ आएगा और ये 5.5। अब आएगा 7 और 8, अगर आप देखें तो 10 और 19 है, तो ये बनेगा 7 और ये बनेगा 8, ओके। अब वैसे ही हम देंगे रूम नंबर रैंक फॉर वाई का, 32, 45, 25, 32, 41। तो 40 का सीरीज हाई है, तो अगर 40 के सीरीज में देखें तो 45 जो होगा ये 1 होगा, फिर उसके बाद 41 ये हो जाएगा सेकंड रैंक। फिर उसके बाद अगर देखें तो 30 के सीरीज में 38 थर्ड रैंक, अब 32 और 32 कितने हैं, 3 हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉर 32 का एवरेज निकालना है, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक और सिक्स रैंक, राइट। इसको 3 से डिवाइड करो तो 4+5 = 9, 9+6 = 10 और 15/3, दैट इज राइट। अभी ये इनको तीनों को 5 रैंक जाएगा, दिस इज 5, फिर इसके बाद ये भी 5, फिर इसके बाद ये भी 5, राइट। अब फोर्थ फिफ्थ और सिक्स चला गया। अब सेवंथ और एट्थ किसको जाएगा, 24 और 25 है, तो ये हो जाएगा 7th और ये हो जाएगा 8th। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। तो जब 2 रिपीट होता है तो आपको 2 से डिवाइड करने का, 3 रिपीट होता है तो 3 और तीनों रैंक को इन्वॉल्व कर देने का, ओके। तो नाउ लेट्स सी दी डी, राइट। डी इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई, 5.5 - 5, दैट इज 0.5, 2 में से 1 गया तो 1, 8 में से 7 गया तो 1, 5.5 में से 5 गया तो फिर से आएगा 0.5, और 1 में से 2 गया तो -1, 4 में से 5 गया तो -1, 7 में से 8 गया तो -1, और 3 में से 3 गया तो 0, और इसका डी स्क्वायर करेंगे तो 0.25, 1, 1, 0.25, फिर वापस 1, 1, 1 और 0, राइट। और इसका सिग्मा डी स्क्वायर करेंगे तो एक्स, ओके, फिर उसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स, फिर उसके बाद आएगा -7/12, दैट इज 8 - 2, 0.5, this will give 27 - 3, that is 2, right. I hope you got it. तो ये हो जाएगा हमको CF, CF is equal to सिग्मा सी एफ या तो सिग्मा एम स्क्वायर एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12 का आएगा 2.5, राइट।
अब इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, आर इज इक्वल टू वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस वन, दैट इज वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर आया है 5.50 प्लस 2.50, राइट, दैट इज एन क्या है 8 और ये 64 माइनस वन। अगर आपको ये इसको टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 48/504, 1 - 48/504 और ये इसका मिलेगा आपको 1 - 0.0952, दैट इज 1 - 0.0952। और इसको अगर हम माइनस करते हैं, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये मिलेगा 0.9042। वहीं खड़े रहो, 0. वहीं खड़े रहो 0.9048, एंड दिस वी कैन राइट दैट आर इज इक्वल टू 0.90। देयरफॉर द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन marks of first interviewer and second is 0.90. okay, so students, we have completed question number 6. Now let's move to question number 7. 10 contestants are ranked in a beauty contest by 2 judges and the sum of the squares of differences, right? Sum of the squares of differences is sigma d square. In the rank is found to be 214. Find the rank correlation coefficient, right? So, सबसे पहले देखो 10 contestant, right? N is equal to 10 आ गया. Sigma d square is equal to 214, right? अब हमको खाली formula ही लगाने का. R is equal to 1 minus sigma d square upon n, n square minus 1, ऐसे सम भी आएंगे आपको, right, that is 1 minus 6, 240 upon 10, और ये बन जाएगा 99, क्योंकि 100 में से 1 जाएगा, right, that is 1 minus 6, 4 is 24, 2, 6 is 6, 8, 6, 2 is 12, that is 990. Is equal to 1 minus 0.30, that is R is equal to 0.30, right? That's your answer. Question number 8. The coefficient of rank correlation of the marks obtained by 10 students in 2 particular subjects was found to be 0.5. Already yahan pe R find kar chuke hai, right? N is equal to 10 hai aur R hai 0.5. Lekin later on it was found that one of the differences of the ranks of the student was 7, but it was taken as 3. गलती से 3 ले लिया, तो अभी हमको इसको करेक्ट करना है. तो फाइंड द करेक्टेड वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. लेट्स डू, डेटा क्या है, n is equal to 10, r is equal to 0.5 दिया है. नाउ रॉन्ग वैल्यू क्या है, गलती से क्या हो गया 3, तभी 0.5 आया. तो हमको इसका राइट वैल्यू रख के हमको r फाइंड करना है. लेट अस स्टार्ट, राइट. अब r is equal to वही फार्मूला लगाना है, 1 minus 6 sigma d square upon n n square minus 1, right? R यहाँ पे दिया हुआ है, that is 0.5, और 1 minus 6 sigma d square हमको ढूंढना है, right? That is n कितना है 10, और ये बन जाएगा 99, okay? चलो अब 0.5 is equal to 990 minus 6 sigma d square अपॉन 990, एलसीएम लिया, ओके. अब क्या करेंगे, 0.5 इंटू 990 इज इक्वल टू 990 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ओके, ये कर लिया. अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 990 इज इक्वल टू माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, दैट
divided by minus 6 is equal to sigma d square. Sigma d square is equal to 82.5, right? अब यहां हमको corrected value करना है, right? तो now corrected sigma d square is, right? Sigma d square is equal to 82.5 minus, जो wrong है उसको माइनस कर देना है और जो राइट है उसको प्लस कर देना है, राइट? दिस विल गिव 82.5 माइनस 9 प्लस 49, दैट इज 82.5 प्लस 40, दैट इज 112.5, राइट? दिस इज करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर. अब ये रख के हमको फॉर्मूला करना है. नाउ 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1, सेम फॉर्मूला तो लगाना ही है. 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अब आ गया हमारा 112.5, राइट? इसको अगर ब्रैकेट में डाल दो अपॉन वापस वही से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज 10. 1 माइनस 735 अपॉन 990 1 माइनस 4, ये आएगा 0.2576, तो ये बन जाएगा 0.26. R is 0.26. Okay students, so this is question number 8. आराम से करना, अगर आया तो एक मिनट आपको ये लाइनिंग डाल देता हूँ. 1, right? ये इस तरह. Okay, so this is question number 8. शांति से दूसरी बार देख देख के भी, आपको रिपीट करके भी देखो, खुद प्रैक्टिस करो. ओके, एंड दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2.3. आई होप यू गॉट इट. इसे बार बार देखो, बराबर एक बार देख के करो, दो बार देखे बिना, राइट? दिस वे डू इट 3 टाइम ईच सम. ओके, तो अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और शेयर करो सो दैट इट रीचेज टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, बाय बाय टिल द नेक्स्ट एक्सरसाइज.